नमस्कार, मैं हूं अंजलि और स्वागत करती हूं आपका द टॉप स्टोरी में। अयोध्या के छावनी पीठाधीश्वर परमहंसाचार्य आज आगरा पहुंचे और एक बार फिर अपने ब्रह्मदंड के साथ ताजमहल पर वह पहुंचे और ताजमहल को तेजो महालय बताकर शाहजहां शहंशाह शाहजहां पर विवादित बयान दे डाला। उन्होंने अपने ब्रह्मदंड के साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए ताजमहल का भ्रमण किया। इस दौरान CISF और ASI की निगाह उन पर टिकी रही, लेकिन इस बीच उनके बयानों ने एक बार फिर ताजमहल को विवादों में लाकर खड़ा कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे द टॉप स्टोरी में इसी मुद्दे की। दरअसल शनिवार यानी कि आज अयोध्या के पीठाधीश्वर परमहंसाचार्य ताजमहल पहुंचे। परमहंसाचार्य ने ताजमहल को प्राचीन शिव मंदिर बताते हुए शाहजहां पर विवादित टिप्पणी करते हुए उस पर सवाल खड़े कर दिए और उसको बलात्कारी भी यहां पर बताया। अयोध्या के तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर परमहंसाचार्य शनिवार को विश्व प्रसिद्ध इमारत ताजमहल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ताजमहल को प्राचीन शिव मंदिर बताते हुए तेजो महालय के रूप में प्रस्तुत किया और ओम नमः शिवाय के जयकारों के साथ ताज परिसर में भ्रमण किया। उनके इस दौरे ने न केवल धार्मिक अनुयायियों में उत्साह पैदा किया बल्कि विवादों को भी जन्म दिया। बहुत आनंद आया आज भगवान भोलेनाथ का प्राचीन मंदिर तेजो महालय का दर्शन। पहली बार एक बार आए थे, रोक दिया गया था। ये भगवान शिव का बहुत पुराना मंदिर तेजो महालय है। आज यहाँ पहुँचते ही रोम रोम से ओम नमः शिवाय की आवाज आने लगी और भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब भारत जो है हिंदू राष्ट्र बन जाएगा संवैधानिक रूप से, ऐसा भोलेनाथ का आशीर्वाद। परमहंसाचार्य ने ताजमहल को लेकर विवादित बयान देते हुए इसे एक हिंदू मंदिर बताया जो उनके अनुसार भगवान शिव को समर्पित है। उन्होंने दावा किया कि इस भवन को तेजो महालय के रूप में जाना जाता था और इसे मुगल काल में जबरन मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। ताजमहल को लेकर इस प्रकार की विवादास्पद धारणाएं पहले भी कई बार उठाई गई हैं, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और इतिहासकारों ने इन दावों को बार बार खारिज किया है। परमहंसाचार्य का यह बयान तब और ज्यादा चर्चा में आ गया जब उन्होंने ताजमहल के निर्माणकर्ता मुगल सम्राट शाहजहां पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें बलात्कारी बताया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शाहजहां ने अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया था। इस टिप्पणी ने मीडिया और राजनीतिक जगत में भूचाल ला दिया है। एक बार मैं आया था तेजो महालय तो ये धर्मदंड होने के नाते हमको रोक दिया गया था। बाद में फिर हमारे कई समर्थक आए और कई लोग जो है धर्मदंड लेके गए थे। तो ये प्राचीन शिवालय है, शंकर जी का मंदिर है भगवान भोलेनाथ का, और इसीलिए ये विश्व का सातवां अजूबा और प्रेम की निशानी माना जाता है। क्योंकि शाहजहां तो बलात्कारी था, वो अपने बेटी से बलात्कार करता था। शाहजहां की बेटी जहां आ रहा थी उससे वो जो है तो शादी कर लिया था, तो इसलिए उसका नाम लेना जो है ये बहुत बड़ा कलंक है। ये भगवान भोलेनाथ का मंदिर है और हम लोग अभी आए हैं दर्शन करने के लिए। और इसके बाद हमको SI चीफ ने हमसे क्षमा भी मांगा था। SI चीफ ने कहा था कि आप कभी भी आके दर्शन कर सकते हैं, तो मैं जा रहा हूं भोलेनाथ का दर्शन करूंगा और भगवान की कृपा से कुछ अच्छा होगा। परमहंसाचार्य ने मुस्लिम महिलाओं से हिंदू धर्म की बात करते हुए हिंदू धर्म में प्रवेश की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यह घर वापसी की प्रक्रिया है जिससे महिलाएं मुस्लिम हिंदू धर्म में अपना वास्तविक जन्म पुनः प्राप्त कर सकती हैं। उनके अनुसार कई मुस्लिम महिलाएं हिंदू पूर्वजों की संतान हैं जो जबरन धर्म परिवर्तन का शिकार हुई थी और अब समय आ गया है कि वे अपनी पुरानी पहचान वापस पा लें। हिंदू लड़की कोई भी लव जिहाद के चक्कर में फंसती है तो समझ लीजिए जीते जी वो जहन्नुम में चली जाती है, और अगर कोई मुस्लिम लड़की घर वापसी करके अगर वो सनातन में आती है तो उसको जीते जी जो है तो समझे जीते जी जन्नत और स्वर्ग मिल जाता है। क्यों? एक तो तीन चार बीवी का चक्कर नहीं रहता है, इसके बाद वो जब वहाँ जन्नत में जाएंगे तो वहाँ वो जो 72 हूरे रहेंगी, एक आदमी रहेगा तो उनको और दिक्कत होगी। तो सनातन में तो बहुत अच्छा है, सनातन में देवी का दर्जा है। तो कोई भी महिला जो सनातन में हमारे यहाँ नारियस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमारे यहाँ की नारी का सम्मान जहाँ संस्कृति का उत्थान वहाँ है, पुरुष से ज़्यादा सम्मान यहाँ जो है तो नारी समाज का है,
इसलिए अगर कोई भी मुस्लिम महिला अगर हिंदू बनती है तो उसको जीते जी स्वर्ग है। कुछ समय पहले भी परमहंस आचार्य उस वक्त विवादों में आए थे जब उन्हें ताजमहल में प्रवेश से रोका गया था। तब उन्होंने अपने धर्म दंड के साथ ताजमहल के भीतर जाने की कोशिश की थी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों से उन्हें अनुमति नहीं दी। इस घटना के बाद आचार्य ने ताजमहल को शिव मंदिर बताने की बात को और जोर शोर से उठाया था। हालांकि आगरा में ताजमहल का दौरा इस बार बिना किसी विवाद के संपन्न हुआ, लेकिन आचार्य के बयानों ने विवादों को नया मोड़ दे दिया है। फिलहाल परमहंस आचार्य का यह दौरा और उनकी विवादित टिप्पणियां राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। सी न्यूज के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट। अयोध्या के पीठाधीश्वर परमहंस आचार्य आज ताजमहल पर पहुंचे और उन्होंने एक बार फिर विवादित बयान दिया। दरअसल कुछ समय पहले भी ताजमहल पर परमहंस आचार्य पहुंचे थे, लेकिन उनको रोक दिया गया था, लेकिन इस बार का दौरा उनका बिना किसी विवाद के संपन्न हो गया। लेकिन उनकी विवादित टिप्पणियां एक बार फिर चर्चा का विषय बनी हुई है। इस पर अधिक जानकारी के लिए अब हमारे संवाददाता न्यूज रूम से गोपाल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी गोपाल, जिस तरीके से आज बिना विवाद के परमहंस आचार्य का दौरा जो ताजमहल पर वो करने आए थे वो संपन्न हुआ, तो किस तरीके का माहौल वहां पर दिखाई दिया? और साथ ही साथ हमने देखा कि परमहंस आचार्य ओम नमः शिवाय के जाप कर रहे थे और उसके बाद वो उन्होंने ताजमहल पर उन्हें भ्रमण किया, तो किस तरीके का माहौल वहां दिखाई दिया? देखिए अंत में आपको बता दूं कि ताजमहल एक ऐतिहासिक इमारत है और वहाँ पर किसी भी तरह की जो धार्मिक टिप्पणी करना एक तरह से वहाँ पर प्रतिबंधित है। तो उसको देखते हुए या अगर बात की जाए तो इस तरह की स्थिति वहाँ जो देखने को मिल रही थी वो ही उसको लेकर यानी जो वहाँ जो अधिकारी थे वो काफ़ी चिंताजनक देखे जा रहे थे। उनके चेहरों पर जो चिंता थी वो साफ देखी जा सकती थी कि जिस तरह से उनकी जो आने की जो सुर्खियाँ थीं, जो पहले से ही वहाँ पर जो माहौल देखने को मिला था, जो चाहे पर्यटन पुलिस हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे CISF हो, चाहे ASI के जो अधिकारी हैं वो भी उनके साथ देखे गए थे। जिस तरह से उनका जो कह सकते हैं कि जब आने का उनका जब प्लान सुर्खियों में आया तो देख सकते हैं कि वहाँ पर जो लोग थे वो काफ़ी चिंतित दिखाई दे रहे थे, क्योंकि अंदर जाकर जो उनको एंट्री तो दे दी गई थी। हालाँकि 2022 में जब वो ताजमहल ताज का दीदार करने आए थे तो उनके साथ जो धर्म जो कह सकते हैं कि जो जब उनको रोक दिया गया था तो उसको देखते हुए उनको कई जो परेशानी है वहाँ पर देखने को मिली थी। हालांकि आज उनकी जो एंट्री है वो तो इजीली हो गई थी, लेकिन अगर जो बात करें जाए जो ताजमहल परिसर में जो ओम नमः शिवाय की जो उन्होंने जो उच्चारण व जाप देखे जा रहे थे वो एक चिंता का विषय बने हुए थे। कई जो अधिकारी हैं जो उनके साथ चल रहे हैं वो उनके कह सकते हैं कि अंदर ही अंदर वो उनसे जिस तरह की उनकी जो टिप्पणी देखी जा रही थी, जो विवादित बयान देखे जा रहे थे, हालाँकि उन्होंने शाहजहाँ को बलात्कारी तक वो इस तरह की जो शब्द हैं उनका यूज़ करते हुए उनको बोल दिया था, तो उसको देखते हुए वहाँ पर जो अधिकारी हैं वो काफ़ी चिंतित दिखाई दे रहे थे। और कह सकते हैं कि सुबह जब उनकी जब एंट्री हुई थी ताजमहल ताज शिल्पग्राम पार्किंग से, तो वहाँ से जो जो बैरिकेडिंग है वहाँ पर उनको रोक दिया गया था, उनका जो भ्रम दंड है। बिल्कुल गोपाल, क्योंकि जिस तरीके से सवाल यहाँ पर एक बन रहा है कि जब पिछली बार परमहंस आचार्य ताजमहल का यहाँ पर भ्रमण करने के लिए आए थे, जिस तरीके से वो ताजमहल को तेजो महालय का दावा वो कर रहे हैं, बता रहे हैं ताजमहल को, तो जब पिछली बार आए थे उनको रोका गया था, धर्म दंड लेकर जब वो पहुंचे थे तब उनको बैरिकेड पर रोक दिया गया था, लेकिन इस बार बिना किसी विवाद के उनको अंदर आने दिया गया और उनको रोका भी नहीं गया। तो क्या कुछ कारण था, क्या किसी अधिकारी से आपकी बात हुई है, क्यों उनको पिछली बार रोका गया था और इस बार क्यों नहीं? देखिए आपको बता दूं कि जिस तरह से जो पहले जब जो भ्रमदंड लेकर आए थे तो उसमें कुछ जैसे जिस तरह से अगर बात की जाए तो एक मेटल का जब चेकिंग होती है उस दौरान देखा जाता है कि आप किसी भी तरह की कोई भी इस तरह की गतिविधियां नहीं अंदर ले जा सकते, तो उसी को देखते हुए पहले जब उनको रोका गया था, लेकिन अब जब वो जब सिल्कग्राम से चले तो जो पहले बैरिकेडिंग देखने को मिलती है तो वहाँ पर जो सुरक्षा जो कर्मचारी थी उनको रोक लिया था और उनका जो भ्रमदंड है वो पूरी तरह से चेक किया गया था, उसमें कोई
एक्सट्रीम मेटल तो यूज़ नहीं किया गया है, तो उसको देखते हुए फिर वहाँ पर जब उनकी पूरी तरह से जो ब्रह्मदंड है उसको चेक कर लिया गया, तब उसे वहाँ से रवाना कर दिया गया था, तो ताजमहल के पूर्वी गेट पर पहुँचे। हालाँकि वहाँ भी थोड़ी देर उनको करीबन 20 से 25 मिनट उनको इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि उनके पास टिकट्स नहीं थी, तो जिसकी वजह से वो ताजमहल में प्रवेश नहीं कर पाए। वहाँ जो आम जो कह सकते हैं कि जो आम पर्यटक थे वहाँ पर उनको खड़े होकर ही इंतज़ार करना पड़ा था। हालांकि फिर काफ़ी करीबन 20 से 25 मिनट बाद जब उनकी टिकट्स हो गई, तब उसके बाद उन्होंने ताजमहल में एंट्री की। और उनकी सुरक्षा की अगर बात की जाए तो फिर उनकी सुरक्षा में जो पर्यटन पुलिस है और कह सकते हैं कि ताज CISF के जवान भी उनके साथ लगा दिए गए थे। और जो भ्रमण की जो स्थिति है, करीबन 40 से 45 मिनट तक ताज परिसर में उन्होंने समय बिताया। हालांकि उस दौरान पूरे जब एंट्री करी गई थी, जो ताजमहल की VIP गेट से एंट्री करी गई, तो तभी से ही उनके जो कह सकते हैं कि ओम नमः शिवाय का जाप लगाते हुए उन्होंने पूरे ताजमहल का भ्रमण किया था। उसको दौरान और जो वहाँ पर जो अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे, उनकी वीडियो भी लगातार बनाते हुए देखे जा रहे थे। जिस तरह से देखा जा रहा है कि कोई विवादित बयान ना कर दें, जिस तरह से आगे जाकर कोई परेशानी हो, तो उसको देखते हुए आज हालांकि जो उनका दौरा है वो शांतिपूर्ण हुआ, लेकिन उनकी जो टिप्पणी देखने को मिली हैं वो बेशक ही जो कह सकते हैं कि चर्चा का विषय बनी हुई हैं लगातार उनको देखते हुए जहाँ पर। और उस दौरान अंजलि आपको एक चीज़ और बता दूं कि वहाँ पर जिस तरह से वहाँ ज़्यादा अंदर एंट्री करी गई थी, तो वहाँ पर उनके कई शिष्य भी उनको मिले थे जो उनके पैर यानी छूते हुए दिखाई दे रहे थे। गोपाल, आज परमहंस आचार्य ने दौरे के दौरान कुछ ऐसे महिलाओं पर भी, मुस्लिम महिलाओं पर भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाएं जो मुस्लिम धर्म में चली गई हैं वो हिंदू पूर्वजों की बेटियां हैं, तो अगर वो आना चाहें तो इस धर्म में आ सकती हैं। तो किस तरीके की हलचल इस बयान से चर्चा में नजर आ रही है, किस तरीके की चर्चा दिखाई दे रही है इसमें? अंजलि, आपको बता दूं कि इससे पहले भी ये इस तरह के बयान दे चुके हैं, तो आज उन्होंने वही बयान को फिर से रिपीट किया था। जिस तरह से देखा जा रहा था कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको फिर से घर वापसी की बात कहकर एक कह सकते हैं कि एक टिप्पणी जो कह सकते हैं कि देखने को मिली थी, तो वो एक यहाँ पर चर्चा का विषय बनी हुई थी। हालाँकि जिस तरह से वहाँ पर उन्होंने जो प्रेजेंट किया था कि सनातन धर्म है, पहले ही जो मुस्लिम महिलाएँ हैं, कई ऐसी मुस्लिम महिलाएँ हैं जो उनको जबरन धर्म परिवर्तन को लिए मजबूर कर दिया गया था और वो धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम समुदाय में जा प्रवेश हो गई थी, तो उनको घर वापसी की उन्होंने जो वापसी की बात कही है कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि मुस्लिम जो महिलाएं हैं वो फिर से हिंदू जो लड़कियां हैं उनसे विवाह कर एक तरफ फिर से पुनः जो कह सकते हैं कि घर वापसी की बात कही थी। तो इस दौरान वहाँ पर जो लोग थे और वो जो कह सकते हैं कि जो टिप्पणी है वो एक तरह से चर्चा का विषय बनी हुई है पूरी तरह से देखा जा रहा है। तो ये एक कह सकते हैं कि एक राजनीतिक मुद्दे भी इसमें करवा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर जो हिंदूवादी संगठन हैं वो कई ऐसे जिस तरीके से आज परमहंस आचार्य ने ताजमहल को तेजो महालय बताने का दावा किया और उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक प्राचीन शिव मंदिर था, तो क्या इस बयान से हिंदूवादी संगठनों में भी कुछ उत्साह बढ़ा है? किस तरीके का माहौल हिंदूवादी संगठनों में देखने को मिल रहा है? जी, आपको बता दूं कि इसको लेकर जिस तरह से अगर बात की जाए तो हिंदूवादी संगठनों में हालांकि उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दूं कि उनके साथ साथ वहां पर अंदर जो पर्यटक थे वो भी ओम नमः शिवाय और इस तरह की राधे राधे जो जो वर्ड है वहाँ पर जो भ्रम उनके परमहंस आचार्य के उनके पैर को भी छूते हुए दिखाई दिए। तो कई सारे ऐसे शिष्य थे तो इस दौरान उनको इस तरह की जो जयकारे हैं वो वहाँ पर गूंजते हुए दिखाई दिए थे। और जिस तरह से अगर बात की जाए तो उन्होंने पूरी जो परिसर में ओम नमः शिवाय का जाप तो किया ही। हालाँकि जो वहाँ पर कह सकते हैं कि एक जो शाहजहाँ हैं उसको एक आतंकवाद भी करार देख दिया गया था कि उन्होंने बताया, उनका कहना था कि जिस तरह से उन्होंने जो हिंदू जो मंदिर हैं उन पर कब्जा करके मस्जिदें बनाई थी, तो उसको देखते हुए उन्होंने कई ऐसी टिप्पणी वहां पर देखने को मिली थी, कई ऐसे विवादित बयान देखने को मिले थे जिससे वहां के कह सकते हैं कि एक तरह से जो माहौल है वो फिर से गर्माता हुआ दिखाई दे रहा था। जिसकी हालाँकि तेजो महल और ताजमहल का विवाद कई सालों से चला आ रहा है, लेकिन अभी तक जो ASI की अगर बात की जाए तो ASI इसको अभी भी इसको पूरी तरह से नकारती हुई नजर आ रही है। हालांकि हिंदूवादी संगठन पूरी तरह से इसको लगातार इसको तेजो महल बताकर इसको जी जी बिल्कुल। गोपाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा के लिए।
तो बता दें कि कुछ समय पहले भी परमहंस आचार्य उस वक्त विवादों में आए थे जब उन्हें ताजमहल में प्रवेश से रोका गया था। तब उन्होंने अपने धर्म दंड के यानी कि ब्रह्म दंड के साथ ताजमहल के भीतर जाने की कोशिश की थी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों से उन्हें अनुमति नहीं दी। आचार्य का कहना था कि यह उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। इस घटना के बाद आचार्य ने ताजमहल को शिव मंदिर बताने की बात को और जोर शोर से उठाया था। हालांकि आगरा में ताजमहल का दौरा इस बार बिना किसी विवाद के संपन्न हुआ, लेकिन आचार्य के बयानों ने विवादों को नया मोड़ जरूर दे दिया है। तो आज द टॉप स्टोरी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।